हमको तो दोनों ही अच्छा लग रहा है, आप बताइए, तुम बताओ प्रिंसी कौन अच्छा लग रहा है, दिखाइए यही वाला, तो फिर यही ले लीजिए, इनको ये पसंद आ रहा है। हेलो गाइस, आज है इनका बर्थडे और ये कर रहे हैं अभी घर पे पूजा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो उठो प्रिंसी। और अब हम लोग रेडी भी हो चुके हैं, अब चलेंगे मंदिर घर पे पूजा करने के बाद। तो हेलो फैमिली, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आज है मेरे पति देव का बर्थडे, तो आज हम लोग दिन भर क्या क्या किए, तो चलिए आज के इस पूरे ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि हम लोग इनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किए हैं। तो यहाँ पे तो मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है, सबसे पहले घर पे पूजा करके हम लोग जाएंगे मंदिर। मंदिर जाने के लिए हम आ चुके हैं। अब हम सारा पर प्रसादी लेके आ चुके हैं, मंदिर पहुंच चुके हैं। अरे उधर से चलते हुए आ रहे हैं हमारे पतिदेव, और यहाँ मंदिर के बाद हम लोग को कुछ और भी काम है, मॉल वगैरह भी जाना है थोड़ा, इसलिए सबसे पहले हम लोग आए हैं अभी यहाँ पूजा करने के लिए। हम लोग पूजा करके आ चुके हैं मॉल में थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। इनको अपना बर्थडे में कपड़ा लेने का याद नहीं रहता, इनको भी पकड़ के लेके आया गया। आप ऊपर मिले, देखो कैसे उन लोग देख के भाग रही है, इतना दिन से मॉल में आ रही है लेकिन इन लोग पहचानती नहीं है। तो यहाँ मेरे पति देव बहुत अजूबा है, इनको काम से फुर्सत मिलता नहीं है कि अपने लिए कुछ शॉपिंग करे, तो इनको आज हम पकड़ के लेके आए हैं शॉपिंग कराने। दिखाइए इधर, ये भी तो अच्छा ही लग रहा है। दिखाइए ये दूसरा पीला है, लेकिन पता है इसमें आ रहा है दूसरा पीला। ऊपर की जमू जो आपको पसंद आ रहा है ना, देख के ले लीजिए, हमको तो दोनों ही अच्छा लग रहा है, आप बताइए, तुम बताओ प्रिंसी कौन अच्छा लग रहा है, दिखाइए यही वाला, तो फिर यही ले लीजिए, इनको ये पसंद आ रहा है, बढ़िया है। तो ठीक है, चलिए आइए जल्दी, भूख भी लगा है, जाएंगे नाश्ता करने। पसंद आया ये वाला टी शर्ट इनको, जा रहे बिलिंग कराने, ये पसंद आया ना। हाँ, हम लोग बर्थडे के दिन शॉपिंग करते हैं, जा रहे हैं बिलिंग करा, टी शर्ट ले चुके, अब जा रहे हैं। कौन सा है तुम, अब पहले चलो प्रिंसी। तो यहाँ आई मॉल में कपड़ा खरीद के पहन लिए, इधर तुम भी आए करो, और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज भूख लगा है हम लोग को, तो बाहर में ही हम नाश्ता कर लेंगे। अब चलेंगे हम लोग नाश्ता करने। हम लोग आए अभी इडली खाने, भूख लग गया बहुत तेज लग गया है। और पूजा करने के बाद पहने टी शर्ट, अब हम लोग इडली खा के जाएंगे फिर घर। भूख लग गया है बहुत तेज का, इसको ही भूख लगा है, पुलाव भटूरा है, बड़का पूरी नहीं हो रहा है, छोला भटूरा का बड़का पूरी बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं। तो
खाइए बड़का पूरी ऐसे इधर देखिए एक फोटो इधर देखिए रुकिए इनको बड़का पूरी खा के बहुत अच्छा लगा दे दो जा अब सब कुछ खत्म होने के बाद जा रहे हम लोग घर और शाम को काटेंगे हम लोग केक काटना है शाम को और चावल खाना आ जा ये अभी पूजा नहीं पूजा कर रही चलो 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 छिपा पहनो जल्दी चलो तो ये गाइस उसके बाद अब रात का तैयारी हो रहा है और रात को हम लोग बाहर नहीं जा रहे तो घर पे ही केक कटिंग होगा ये गाइस तो दिन का खाना के बाद हम लोग रात का बर्थडे का तैयारी घर पे ही कर रहे हैं हम लोग बाहर नहीं जा रहे इनको टाइम वगैरह नहीं है तो और फिर यहाँ पे बन रहा है हमारा नॉन वेज तो नॉन वेज हम वो साइड में ही बनाते हैं तो उसके लिए अलग से चूल्हा है तो अभी नॉन वेज का हो रहा है यहाँ तैयारी और फिर यहाँ पे बन जाएगा उसके बाद केक भी जाके लाना है तो पहले इसको बना लेते हैं फिर चलेंगे केक भी लाने फिर उसके बाद रात को केक कटिंग का पार्टी होगा और आप देख सकते हो यहाँ ये बन के रेडी हो चुका है बस ये भी तैयार है आज का पार्टी का ये डिश तो नॉन वेज बन गया है उधर और फिर उसके साथ हम ये बना रहे हैं बिरयानी चावल तो ये भी बन ही चुका है ओ मेरा नॉन वेज बन के रेडी है और अब बस तैयार होके चलेंगे केक लाने के लिए बस इनका वेट कर रहे हैं ये आते हैं तो उसके बाद जाएंगे अब केक लाने के लिए आ चुके हैं अब केक और बैलून वगैरह जा रहे थोड़ा सजाने जहाँ पे हम बैलून फुला के घर सजाने का कर रहे हैं तैयारी और इससे बैलून फुलाना बहुत आसान होता है तो बहुत जल्दी फूल भी जाता है तो मेरा यहाँ पे बैलून का और यहाँ पे हम सजा चुके हैं बैलून अपने पति देव के बर्थडे के लिए ब्लैक गोल्डन खाना के साथ साथ यहाँ पे भी हम डेकोरेशन कर दिए हैं और देव को देंगे सरप्राइज पार्टी आपका अपने हाथों से सजा के पति देव के लिए देखते हुए आते हैं तो उनको ये कैसा लगता है तो फ्रेंड्स इनके बर्थडे पे अपने हाथ से तैयारी करने में अलग ही मजा आता है चाहे वो डेकोरेशन करना हो या केक लाना हो या फिर अपने हाथों से उनके लिए मनपसंद डिश बनाना हो तो आज हम सब कुछ घर पे ही किए हैं बाहर नहीं गए रेस्टोरेंट में नहीं गए सोचे सब कुछ घर पे ही हम बना लें और डेकोरेशन भी कर लें तो हमसे जितना हो पाया उतना हम किए हैं डेकोरेशन बाकी आप लोग को कैसा लगा घर के लिए यहाँ कोई ज़्यादा आदमी हम लोग का रहता नहीं इसलिए हम लोग किसी को बुलाए नहीं है बस खुद में ही तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आगे भी
कि अब हम लोग केक काटेंगे, वो लास्ट का है, तो वो बिना देखे वीडियो को बंद मत कीजिएगा, वो भी जरूर देखिएगा। और जब तक हम लोग केक नहीं काट लेते तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे इतना बैलून देख के प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो गई है, क्योंकि बच्चा लोग को बैलून बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स फाइनली पतिदेव घर पे आ चुके हैं और अब हम रख दिए यहाँ पे केक, तो अब होगा केक कटिंग। हाँ पापा आएंगे तो पापा काटेंगे। पहले बोल रही तो कि आपको तैयारी कैसा लगा, इस तरह से पूछ दीजिए बेटा। अब बताइए कैसा तैयारी किया है। वाओ बहुत अच्छा, थैंक यू, वेरी गुड। चलो केक काटते हैं, सरप्राइज पार्टी। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, देखिए अभी पूरा केक अकेले खाने वाले हैं। तब से केक काटने के बाद सब केक ही खा रहे हैं। अब देखो जा लग गया वो भी लगवाएगी। तो यहाँ पे हम गिफ्ट लेके आए हैं इनके लिए, शूज जूता है इसके अंदर। तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि हम कैसा बर्थडे प्लान किए थे, अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू। Yeah.